नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा और आज आपके बीच में राज्य विषय को लेकर के आया हूं कि राज्य क्या है, इसके तत्व क्या हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले आपसे हम ये चर्चा करेंगे कि राज्य जो है वो किसी भी नागरिक समुदाय के लिए जरूरी है कि वो एक निश्चित भूभाग में रहता हो और राजनीतिक रूप से संगठित हो, साथ साथ किसी भी बाह्य संप्रभुता से वो नियंत्रित ना होता हो। राज्य के विषय में बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने राज्य को किस रूप में परिभाषित किया है। आइए देखते हैं। ब्रंसली के अनुसार एक निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक राज्य हैं। मैकाइवर के अनुसार राज्य एक संस्था है जो कि शक्तिशाली सरकार के द्वारा घोषित कानूनों के अनुसार कार्य करती है, जो निश्चित प्रदेश में रहने वाले समुदाय में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो शासन और शासित में विभाजित रहता है और जो अपने निर्धारित क्षेत्र के भीतर संस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों व ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन प्राप्ति है। हॉलैंड के अनुसार राज्य मनुष्य के उस समूह का नाम है जो साधारणतः एक निश्चित क्षेत्र में रहता है और जिसमें बहुमत या मनुष्यों के एक वर्ग विशेष की इच्छा अपने विरोधियों पर बहुमत या वर्ग की शक्ति के द्वारा शासन सूत्र का संचालन करती है। पूर्व राष्ट्रपति विल्सन के अनुसार राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत कानून के द्वारा संगठित व्यक्तियों का नाम है। बर्गेस के अनुसार राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव समाज का एक विशिष्ट भाग है। अभी आपने देखा कि राज्य को किस प्रकार से विद्वानों ने परिभाषित किया है। अब हम लोग आते हैं राज्य के तत्व के बारे में। राज्य के तत्व, तो राज्य के तत्वों में सबसे पहला जो तत्व है वो है जनसंख्या, कि एक निश्चित जनसंख्या का होना राज्य के लिए आवश्यक है। इसमें के अनुसार एक आदर्श राज्य के लिए 5040 की जनसंख्या होनी चाहिए। रूसों ने इस संख्या को 10,000 बताया। तो इस प्रकार से इतना तो हम कह सकते हैं कि जो विचारक थे उन लोगों ने इसकी संख्या निर्धारित की है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये उतना सामयिक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी भी राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जनसंख्या का होना। प्रोफेसर गार्डनर के अनुसार जनसंख्या इतनी ही होनी चाहिए जितनी कि राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए आवश्यक हो, और वह इससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि इसके लिए भूभाग और राज्य के साधन अपर्याप्त सिद्ध हो जाएं। दूसरा तत्व इसका है निश्चित भूभाग। इसका दूसरा तत्व है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग से तात्पर्य यह है कि किसी भी राज्य के लिए एक भूभाग होना बहुत आवश्यक है। देखिए, यद्यपि यह ठीक है कि राज्य इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी रक्षा भी ना कर सके, लेकिन साथ साथ वो इतना बड़ा भी ना हो कि उसके जो संसाधन है वो वहां के नागरिकों के लिए, वहां के निवासियों के लिए पूरा ना पड़ता हो। यद्यपि यह उचित है कि छोटे राज्य सुरक्षा तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते हैं, परंतु राज्य की शक्ति केवल भूभाग के विस्तार पर ही निर्भर नहीं होती है। किसी भी राज्य की शक्ति उस राज्य की जनता के चरित्र और औद्योगिक प्रगति पर भी निर्भर करती है। नंबर तीसरा तत्व है सरकार। किसी भी राज्य के लिए सरकार का होना आवश्यक है जो इस राज्य की इच्छाओं को, इसके कार्यों को क्रियान्वित कर सके। प्रोफेसर गार्डनर के अनुसार सरकार राज्य का वह अभिकरण या यंत्र है जिसके द्वारा सार्वजनिक नीतियां निर्धारित होती हैं, सार्वजनिक मामलों का नियमन होता है और सार्वजनिक हितों की अभिवृद्धि होती है। एक सरकार के अभाव में जनता एक असंगठित, असंबद्ध, अराजक भीड़ हो जाएगी और उसके पास सामूहिक कार्य के लिए कोई साधन नहीं रहेगा। नंबर चार जो है वो है संप्रभुता। किसी भी राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक है। संप्रभुता से तात्पर्य क्या है कि वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से किसी के प्रति अधीन ना हो, आंतरिक रूप से भी उसके सभी आदेशों का पालन करते हो और बाह्य रूप से भी स्वतंत्र हो, किसी के अधीन ना हो। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता किसी भी राज्य के लिए आवश्यक होती है। राज्य और सरकार, अब हम लोग देखेंगे कि राज्य और सरकार इसमें क्या अंतर है। फ्रांस के निरंकुश शासक लुई XIV ने कहा था कि मैं ही राज्य हूं, अर्थात राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम देखें
तो राज्य और सरकार में अंतर है। अब कौन कौन से अंतर है? देखिए, राज्य वो एक व्यापक संगठन है, इसकी संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, जबकि सरकार जो है ये एक निश्चित संख्या, इसकी जो है ये क्या है, ये स्वामी है। और अगर इसको देखें तो सरकार जो है वो उसकी सेवक है। राज्य के पास मौलिक शक्ति है और सरकार के पास हस्तांतरित शक्ति है, जो राज्य के द्वारा इसको, राज्य का विरोध नहीं हो सकता है जबकि सरकार का विरोध हो सकता है। राज्य सभी एक प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रकार के, जैसे भी आपने देखा कि किसी भी राज्य के लिए एक जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता आवश्यक है, लेकिन सरकार एक प्रकार की नहीं हो सकती है, एक प्रकार की नहीं। कहीं पर प्रजातंत्र है, कहीं पर राजतंत्र है, कहीं पर कुलीन तंत्र है, कहीं पर तानाशाही है, तो ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो राज्य और सरकार को अगर हम देखें तो उसमें इस प्रकार से अंतर है। राज्य और समाज, अब देखिए आप, राज्य और समाज जिसको अक्सर एक समझ लिया जाता है, समाज जो है वो राज्य से पहले का है और ये जो है समाज से बाद का है। ये देखिए, राज्य की एक निश्चित संख्या हो सकती है लेकिन समाज की कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है। ये राज्य स्तर का भी हो सकता है, राष्ट्र स्तर का भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। तो इस प्रकार अगर देखें तो जनसंख्या के आधार पर भी राज्य समाज में अंतर होता है। राज्य के पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रभुसत्ता, जबकि समाज के पास जो है वो, जो समाज के लोग हैं उनकी रुचि या उनकी सहमति आवश्यक होती है और समाज राज्य के लिए प्रभु सत्ता है। राज्य और समुदाय, अब हम लोग देखेंगे कि राज्य और समुदाय यानी एसोसिएशन, इसमें क्या अंतर है। देखिए, इसका भी जैसे कि है कि एक निश्चित भूभाग होता है, निश्चित स्थान होता है, और समुदाय का भी कोई निश्चित नहीं भूभाग होता है, राष्ट्र बड़ा भी हो सकता है, निश्चित कोई भी निश्चित इसका भूभाग नहीं है, किसी भूभाग में बंधा हुआ नहीं, समुदाय छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है जबकि समुदाय के लिए सदस्यता इसकी ऐच्छिक है, जो सहमत हो वो उसके मेंबर हो सकते। देखिए, राज्य में क्या होता है कि नागरिकों का हित सर्वोपरि होता है और समुदाय में मात्र उस समुदाय में रहने वाले लोगों का हित सर्वोपरि होता है। राज्य स्थायी है जबकि समुदाय जो है वो अस्थायी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राज्य और समुदाय में किस प्रकार से अंतर है। अब हम देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राज्य की उत्पत्ति, तो राज्य की उत्पत्ति में अगर सबसे पहला आप देखें तो दैवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के बारे में गैटिल ने कहा, मानव इतिहास के एक दीर्घ काल तक राज्य ईश्वरकृत अथवा दैवीय समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। जेम्स प्रथम के अनुसार राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। जो विचारक राज्य की उत्पत्ति के लिए दैवी सिद्धांत को मानते हैं उनका यह कहना है कि राज्य जो है वो ईश्वर की देन है और राज्य की उत्पत्ति जो है वो ईश्वरी है और जो शासक है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। वहां की जो जनता है, वहां वो जनता का एक कर्तव्य है कि उस शासक का कहना माने, उसके आदेशों का पालन करे, क्योंकि जो शासक है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। इसका जो दैवी सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ उसमें शासकों ने अपनी सत्ता को निरंकुश बनाने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए दैवी सिद्धांत लिया जिससे लोग उसका विरोध न कर सकें। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की आलोचना करते हुए विद्वानों ने कहा कि ये अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक है।
निरंकुशता को प्रोत्साहन देता है, धार्मिक सिद्धांत है, न कि राजनीतिक, और ये आधुनिक राज्यों पर लागू नहीं है, रूढ़िवादिता और नास्तिकों के लिए महत्वहीन है। लेकिन इसका भी एक जो है वो लाभ था, इसके भी प्रभाव पड़ा लोगों के अंदर, एक अनुशासन की प्रवृत्ति, राज्य के कार्यों में नैतिकता का समावेश इस सिद्धांत के अंतर्गत हुआ। राज्य की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है शक्ति का सिद्धांत। शक्ति के सिद्धांत के विचार को यह मानना था कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो शक्ति के आधार पर हुई है। राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत को परिभाषित करते हुए ह्यूम ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जताकर उन पर अपनी हुकूमत लादी होगी। लेखक के अनुसार ऐतिहासिक रूप में शक्ति सिद्धांत का अर्थ यह है कि शासन मानवीय अशांति का परिणाम है। राज्य का उद्गम मनुष्य द्वारा मनुष्य को बंदी और दास बनाए जाने, निर्बल कबीलों की हार और गुलामी, और साधारण तथा उच्चतर पशु बल द्वारा अपनी प्रभुत्व स्थापित करने से हुआ है। कबीले से राज्य और राज्य से साम्राज्य का विकास इसी प्रक्रिया का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की आलोचना भी हुई और विचारकों ने यह कहा कि कोई शक्ति जो है मात्र, और विचारकों का मानना था कि शक्ति जो है वही राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं हो सकता है, कुछ भूमिका हो सकती है, लेकिन अगर यह सिर्फ कहा जाए कि सिर्फ शक्ति के आधार पर राज्य बना है तो वो ठीक नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की आलोचना करते हुए विद्वानों ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति के द्वारा नहीं हुई है। राज्य का आधार केवल पार्श्विक बल शक्ति भी नहीं है, राज्य जनता की सहमति पर आधारित है। निरंकुशता व युद्धों को यह बढ़ावा देता है और गांधीवादी दर्शन के विरुद्ध है। तीसरा कारण, पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। कुछ विचारकों का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक समाज की प्रगति के साथ हुई, यानी कि उनका ही मानना था कि पहले प्राचीन समाज में पितृ सत्तात्मक समाज था, पिता की प्रधानता थी, पुरुष की प्रधानता थी, और जो वैवाहिक संबंध थे वो स्थायी थे, और इसी आधार पर जो परिवार बने, परिवार से फिर समूह बने, समूह से कुल बने, कुल से गांव बने, गांव से राज्य बना। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, प्राचीन समाज जो है वो पितृत्वात्मक नहीं था बल्कि मातृसत्तात्मक था, वैवाहिक संबंध स्थायी नहीं थे और माता के नाम पर समाज बना हुआ था। राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्तात्मक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मैकाइवर ने कहा कि परिवार ही पहली सामाजिक इकाई थी और उसी में हमको प्रथम सरकार के कीटाणु दिखाई देते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार का बड़ा रूप है। लेखक के अनुसार पहले एक गृहस्थ, फिर एक पितृ प्रधान परिवार, उसके पश्चात एक वंश के लोगों का कबीला और अंत में एक राष्ट्र। इस प्रकार इस आचार पर सामाजिक कर्मों की उत्पत्ति होती है। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक जो विचार था इसका, इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के लिए कम बल्कि पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक समाज के लिए ज्यादा विचार व्यक्त किए। नंबर 4, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। देखिए, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हाफ्स, लाक और रूसो तीन विचारकों ने इसको प्रतिपादित किया। हाफ्स और लाक जहां इंग्लैंड के विचारक थे, वहीं पर रूसो फ्रांस के विचारक थे, और हाफ्स, लाक, रूसो तीनों ने अपनी अलग अलग जो राज्य की उत्पत्ति के कारण को बताया कि जो सामाजिक, हाफ्स के अनुसार सबसे पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें व्यक्ति झगड़ालू था, झगड़ा करता था, विश्वास नहीं करता था और एक बहुत ही अव्यवस्थित समाज था, उससे बचने के लिए लोगों ने एक समझौता किया और वो समझौता उन लोगों ने आपस में किया कि हम अपने अधिकार किसी एक शासक को देंगे अगर आप भी सहमत हो। तो समाज के लोगों ने अपने सारे अधिकार एक शासक को सौंप दिए। वो शासक उस समझौते में शामिल नहीं था, वो निरंकुश था। हाब्स ने निरंकुश राजतंत्र का प्रतिपादन किया और कहा कि जो जिसके साथ समझौता हुआ है, जो शासक है, वो निरंकुश है और सबको उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। लॉक ने यह कहा कि प्राकृतिक अवस्था इतनी खराब नहीं थी, लोग असामाजिक नहीं थे बल्कि अराजनैतिक थे, और लॉक ने कहा कि उस व्यवस्था में आवश्यकता थी कि जो नियम है, प्राकृतिक नियम है, उनकी व्याख्या कैसे की जाए, उनको कैसे परिभाषित किया जाए, लोग उसका कैसे उपयोग कर सकें, इस काम के लिए समझौता किया जाए, और समझौता हुआ और राज्य बना। रूसो के अनुसार प्राकृतिक समाज बहुत आदर्श था, आदर्शवादी व्यवस्था थी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि और व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ने से समाज में विरोधाभास हुआ, समाज जो है वो पतन की ओर जाने लगा। ऐसी स्थिति में सभी लोगों ने मिल करके और एक सामान्य इच्छा, जनरल विल,
को अपनी समस्त अधिकार सौंप दिए कि आप जो है हम पर शासन करें। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हाब्सबर्ग रूसो ने सामाजिक समझौते को राज्य की उत्पत्ति का कारण बनाया। नंबर 5, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। कुछ विचारकों ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति के लिए दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक या सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि राज्य जो है वो एक विकास का परिणाम है। परिवार हुआ, परिवार से परिवारों के समूह बने और इस तरह से विकास होते होते वो जो है आप जो है वो राज्य की उत्पत्ति हुई। उनका मानना था कि राज्य के विकास के कुछ सहायक तत्व थे जिसमें मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक क्रियाएं अथवा आवश्यकताएं, धर्म तथा राजनीतिक चेतना। रक्त संबंधों के संबंध में मैकावर ने कहा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देते हैं और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। धर्म के संबंध में गैटिल ने कहा है कि रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप हैं और समूह की एकता और कर्तव्यों को धार्मिक स्वीकृति प्राप्ति। प्रोफेसर गिलक्रिस्ट के अनुसार, जहां तक हम समझे हैं, प्रारंभिक समाज कठोर धार्मिक नियमों के अनुसार अनुशासित होते थे। अब इसके बाद जो छठा है वो है मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति के लिए वर्ग संघर्ष को अपना आधार बनाया और कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में दो वर्ग हैं, एक तो वर्ग है शोषक और एक वर्ग है शोषित, और इन दोनों के बीच जो ये वर्ग संघर्ष होता है उसी ने राज्य की उत्पत्ति की। एक तो साधन संपन्न है, दूसरा साधन विहीन है। तो साधन संपन्न वर्ग जो है वो इसके ऊपर अपना शासन करता है और इसका शोषण करता है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो वाद, प्रतिवाद और संवाद जो उसने सिद्धांत किया कि कोई भी चीज जो आज वाद है कल को प्रतिवाद बनेगी और फिर संवाद बनेगी और अंत में चल के संवाद जो है फिर वाद बनेगा, तो ये जो सर्किल है इसके हिसाब से राज्य जो है वो समाप्त होगा और एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें राज्य की आवश्यकता नहीं होगी, किसी का शोषण नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि राज्य क्या है, विभिन्न विद्वानों ने राज्य की क्या परिभाषा दी, उसको कैसे परिभाषित किया, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, किन तत्वों के आधार पर राज्य बनता है, वो चाहे वो निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो या संप्रभुता हो, और राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, राज्य की उत्पत्ति के लिए चाहे वो दैवी सिद्धांत हो, चाहे शक्ति सिद्धांत हो, चाहे वो मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या सामाजिक समझौता या ऐतिहासिक विकासवाद या मार्क्सवादी विचारधारा, लोगों का अलग अलग मानना था कि राज्य की उत्पत्ति किस कारण से हुई। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।